तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के मंडे नाइट रॉ एपिसोड के बारे में, क्या कुछ चीज हमें कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर दिखाई दे सकती। तो भाई इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और भाई सबसे पहली चीज हमें मे भी जो ओपनिंग के अंदर दिखाई दे सकती है वो इस बार हो सकती है एक मैच की होने वाला है, नो होस्ट बार मैच बिटवीन शार्लेट फ्लेयर एंड करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन निकी एश। और भाई रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ये मैच होने वाला, तो भाई यहाँ से WWE ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया। और भाई यहाँ से मे भी हमें इंटरप्शन भी दिखाई दे सकती है आई थिंक रिया रिप्ली की, बट WWE क्या कर देखना पड़ेगा। और भाई मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसके अंदर नो होल्ड्स बार्ड वाली स्टिपुलेशन है। और भाई वही बात रही रिजल्ट की, तो आई थिंक मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते शार्लेट फ्लेयर ने डिफीट किया था। और भाई निकी एश को भी थोड़ा जो है मोमेंटम रखना चाहिए भाई WWE के समर स्लैम की इवेंट के लिए। तो भाई मेरी यहाँ पर से पिक होने वाली है निकी एश, क्योंकि भाई निकी एश मैच के अंदर जीत सकती है। और भाई उसके बाद में भी हमें जो है फिर से जो है उसके ऊपर जो है रिया रिप्ली भी अटैक भी हमें करते हुए दिखाई दे सकती है कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। फिर आएगा शेमस एंड अपने डेमियन प्रीस्ट के भी सेगमेंट, और भाई डेमियन प्रीस्ट चाहेंगे एक मौका और भाई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि भाई पिछले हफ्ते उन्होंने हराया था शेमस को। बट शेमस जो है मैच के लिए जो है मतलब हमें जो है ऑफर नहीं करेंगे चैलेंज, और भाई वो जो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखाई देंगे। और भाई इनकी जो राइवलरी है वो यहाँ पर हमें जो है और भी ज़्यादा स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे सकती है। और भाई फिर हमें शो के ऊपर दिखा देने वाला है, वो दिखा देने वाला है बैक स्टेज के ऊपर ईवा मरी एंड अलेक्सा ब्लिस के बीच फिर एक बार सेगमेंट। और भाई मे भी हमें फिर एक बार वही सीन दिखा दे सकते कि भाई अलेक्सा ब्लिस एंड लिली के बीच जो है लिली एवोल्यूशन का चल सकता है, ये सारा सीन पूरा रॉ के अंदर हमें जो होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट फिर हमें दिखा देगा शो के ऊपर, वो दिखा देगा ड्रू मैकइंटायर एंड जिंदर महल के बीच एक्साइटमेंट। और भाई मे भी हमें जो है वीर के अगेंस्ट फिर एक बार मैच दिखाई दे सकती है, फिर क्या बोलते हैं शैंकी भी आ जाए। और भाई यहाँ पर जो है ड्रू मैकइंटायर और जो जिंदर महल है उनके बीच हमें जो है फाइनली मैच भी ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दे सकता है समर स्लैम 2021 के लिए। फिर आएगा शो के ऊपर हमें नेक्स्ट सिंगल्स मैच जो कि होने वाला है रिड वर्सेस वन हाफ रॉ टैग टीम चैंपियंस यानी कि अपने ओमोस के बीच। और भाई मे भी काफी बढ़िया मैच हो सकते हैं, और भाई रिडल की केमिस्ट्री हम देख सकते हैं मैच के अंदर, आई थिंक ओमोस डोमिनेट काफी करने वाले। और भाई ओमोस मेरे ख्याल से मैच के अंदर जीत सकते हैं। बट उसके बाद हमें दिखाई देगा कि भाई एज सैस आएंगे, एज सैस अटैक करेंगे, और भाई उसके बाद दोनों मिलकर काफी अटैक करेंगे। और भाई उसके बाद थीम सॉन्ग प्लेगा अपने रैंडी ऑर्टन का, और भाई रैंडी ऑर्टन आएंगे फिर एक बार शो के ऊपर वापस, और भाई वो बचाएंगे रिडल को, और भाई यहाँ पर से वो कर देंगे दोनों को चैलेंज रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम 2021 के अंदर। तो भाई काफी बढ़िया चीज हो सकती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल के। और भाई आर के ब्रो काफी बढ़िया तरीके से कल शो के ऊपर पूरे रॉ को सेल कर सकते हैं। फिर मेन इवेंट के अंदर आएगा, वो आएगा अपने द आइकॉन गोल्डबर्ग का रिटर्न। और भाई गोल्डबर्ग आकर हमें जो है बॉबी लैशली के चैलेंज को जो है एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे कि क्यों बॉबी लैशली चैलेंज को जो है एक्सेप्ट नहीं किया। और भाई बॉबी लैशली में भी हम जो आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और भाई मे भी गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली फाइनली कल कैसे तैसे करके जो है मैच हो सकता है ऑफिशियल। तो भाई ये सारी चीजें कुछ हमें कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर दिखाई दे सकती है। तो भाई आपको क्या लग रहा है आप मुझे कमेंट्स के अंदर आपके ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बट कहीं आज की हमारी वीडियो बस ये तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कौन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।